आलू गोभी की सब्ज़ी हर घर हर रेस्टोरेंट में पाई जाती है और सब लोग की फेवरेट होती है। तो आज इस सब्ज़ी को बनाइए मेरे स्टाइल में, बिल्कुल झटपट और बहुत आसानी से। तो वेलकम है आपका समर्स किचन में। यहाँ पर मैंने एक गोभी का फूल लिया है और इसको हम कुछ इस तरह से काटेंगे। तो इस तरह से काटने से जो इसके फ्लोरेट्स हैं वो बिल्कुल क्लीन आते हैं और जो छोटे छोटे चूरा होता है वो बहुत कम होता है। तो एकदम साफ साफ बड़े बड़े फूल काट लिए हैं और हमें ऐसे ही बड़े पीस में काटना है। तो अब गोभी को मैं पानी में डाल देती हूँ और इसके साथ हमें चाहिए होंगे आलू, क्योंकि बना रहे हैं हम आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू को भी मैंने दो आलू लिए हैं और थोड़े बड़े पीस में इस तरह से काटेंगे। तो आलू भी कट गए हैं और अब इनको भी मैं पानी में डाल देती हूँ। अब लिया है मैंने कुकर। तो बिल्कुल हैसल फ्री सब्ज़ी है, ना इसमें आपको मसालों को भूनना है, ना ज़्यादा मेहनत करनी है। बस सारी सब्ज़ियों को कुकर में डालेंगे और मैंने आलू डाल दिया, गोभी डाल दिया। अब यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी चार टुकड़ों में करके ऐसे डाल देंगे। तो यहाँ पर टमाटर भी गए। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज है, उसको भी रफली चॉप किया है। अदरक लहसुन है थोड़ा सा कटा हुआ और हरी मिर्च, मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च है, ज़ीरा है आधा चम्मच, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो तेज़पत्ते, हल्दी आधा चम्मच, धनिया है आधा चम्मच और मिर्च है बिल्कुल थोड़ी सी एक चौथाई चम्मच। साथ में नमक एक टीस्पून, तेल है जिसको सरसों का तेल, इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, धुआं आने लगा तब इसमें डाल देंगे। बस इतनी ही प्रिपरेशन है और सब चीज़ों को मिला करके हम गैस पर रखेंगे और इसको शुरुआत में तो तेज़ आंच रखेंगे और जैसे ही प्रेशर आना शुरू होगा धीमा कर देंगे, क्योंकि हम पानी एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं इसलिए सब्ज़ी जले नहीं, इसलिए धीमी आंच पर पकाएंगे और दो सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो मैंने दो सीटी ली, उसके बाद अपने आप ठंडा होने दिया। पर आपके पास और भी कम टाइम है तो आप तीन प्रेशर आने दीजिए और उसके बाद इमीडिएटली खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खोल लिया है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, अभी भी काफ़ी मॉइस्चर है और ये देख लीजिए थोड़ा पानी भी बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा कटा धनिया और इसको थोड़ा सा गैस पर दोबारा चढ़ा करके हल्का सा भून लेंगे। अब मैं आपको गोभी दिखाती हूँ, एकदम गल चुका है और ऊपर से ये फटा भी नहीं है, मतलब साबुत है बिल्कुल, ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, शेप नहीं बिगड़ा और एकदम सॉफ्ट है। तो इसी तरह की आलू गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अब मैंने यहाँ पर डाला है रोस्टेड धनिया, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो थोड़ी धनिया के बीजे लेकर के एक चम्मच करीब मैंने हल्का सा उनको रोस्ट किया और उसको दरदरा सा कूट लिया था। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया, और एक मिनट इसको भून लेंगे। झटपट रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप इस सब्ज़ी को बना लेंगे और टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये तैयार हो गई हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी, मसाले वाली भुनी भुनी सी, और देखा आपने कितनी आसानी से। तो बस सुबह की भागम भाग में जब ऑफिस और स्कूल के लिए देर हो रही है तो झटपट बनाइए ये सब्ज़ी और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर के मैं डेली समर्स किचन में आती हूँ। तो देखते रहिए समर्स किचन, और इसी तरह की मज़ेदार और बहुत सी आसान रेसिपीज़ के लिए। तो नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइए। कीप वॉचिंग समर्स।